उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। दरअसल हरपुर बुधहट के तेनुआ गांव में बीजेपी नेता की मां और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वहीं बीच बचाव में आई बीजेपी नेता की पत्नी और बेटी भी इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गईं। दरअसल मंगलवार रात बीजेपी किसान मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शुक्ला की बुजुर्ग माँ और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हमले के वक्त बीजेपी नेता घर में मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता परशुराम शुक्ला किसी काम से लुधियाना गए हुए थे। घटना की सूचना के बाद उन्होंने ईमेल के माध्यम से तहरीर भेजी है, जिसके बाद आला पुलिस अफसर भी गांव में पहुंच गए और पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है। थाना हरपुर बुधहट के गांव तेनुआ में परशुराम शुक्ला की माता और उनके लगभग 1.5 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है। उनके पत्नी और उनकी एक बेटी घायल है और ये हत्या उनके ही खानदानी भाई लगते हैं सीताराम और उनके परिवारी जनों द्वारा मिलकर की गई है। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। परशुराम जो लुधियाना में है वहाँ से उन्होंने जरिए ईमेल अपनी तहरीर भेजी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम थाना हरपुर बुधहट के अलावा सिकरीगंज, बेलघाट, खजनी और नगर के शाहपुर, कैंट और रामगढ़ताल की टीमें लगाई गई हैं। अतिशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस घटना से आसपास के गांव में भी सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सीताराम शुक्ला और उसके परिवार वालों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।